हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दी हैं और तुम इस गेम की स्टोरी के साथ साथ नहीं चल रहे तो जल्दी से जाओ, जाके वो सारी की सारी वीडियोस देखो, उनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो फिर हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. अच्छा यार, जिस तरह तुम लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने वो अपने दोस्त से पैसे लेने के लिए उसके के पास काम के लिए गए थे, क्योंकि हमें पैसे देने हैं उस बंदे को जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जिसका घर तोड़ा, तो क्योंकि वो गैंगस्टर है तो अब हमारी जो है ना उसने जान ले लेगा, आके गोली वगैरह मार देगा अगर हम उसके पैसे टाइम से नहीं देंगे। तो अब लास्ट टाइम जो लास्ट एपिसोड में हम उसके पास गए थे कि भाई हमें कोई काम दे, तो उसने बजाय हमें कोई काम देने का उसने अपना ही कोई जो है ना काम बता दिया कि जी पहले जो है ना ये काम कर दो। तो आपको पता है फिर कोई भी काम करवाने के लिए किसी का फिर कोई काम तो करना पड़ता है ना, ये तो फिर एक तरह का रूल है। तो फिर अब इस तरह के अब हमने उसे कॉल किया कि भाई साहब क्या सीन है, हमारे जान के ऊपर बनी हुई है तो हमें जो है ना कोई काम दो तुम। तो वो कहता है कि यार तुम फिक्र ना करो कालीन भैया, हमने जो है ना तुम्हारे लिए काम ढूंढ लिया। तो वो कहता है कि तुम इस तरह करो कि कोई जो है ना अच्छा सा सूट वगैरह पहन के तो हमारे पास आ जाओ। तो अब ये हमारी अपनी जो वार्डरोब है उसके अंदर जो सूट है वो ये तीन कलर्स हैं, इसके अंदर मुझे वैसे सबसे डिसेंट तो ये ब्लैक वाला लग रहा है, तुम लोग क्या कहते हो कि कौन से वाला होना चाहिए। खैर अब हम चलते हैं लप्पू के पास, उसका जो है ना हमने नाम रखा है लप्पू। तुम लोगों ने अगर वो एक सीरीज थी नेटफ्लिक्स की सी ए टॉपर, उसके अंदर जो है ना राजा भैया भी होते हैं एक, और उनके जो है ना दो एम्प्लॉयज़ होते हैं, बड़े फ़नी करेक्टर थे वो, तो उसके अंदर से एक का नाम जो है ना लप्पू होता है। तो इसका नाम जो है ना वैसे तो लेक्स्टर है, तो हमने इसका नाम जो रखा है वो लप्पू रखा है। अगर तुम लोगों को ये नाम पसंद आया तो भी कमेंट करो, अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हम इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं या हम इसके पास जाते हैं काम लेने के लिए और सारी चीज़ों के लिए, तो ये जो करैक्टर है ये गेम में काफ़ी आगे तक हमारे साथ होगा, तो इस वजह से इसका नाम मैंने रखना जो है ना मुनासिब समझा। जो रैंडम करैक्टर्स आते हैं उनका तो नाम नहीं रखता, क्योंकि उस तरह तो फिर पता नहीं इसके अंदर कितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे इस गेम के अंदर जो आगे से आगे हमें मिलेंगे। तो इस बंदे का नाम रखा है, आप देखो ये करैक्टर जो है ये हमारे साथ कितनी देर रहता है। तो इसका नाम अगर गाइस तुम लोगों को पसंद नहीं आया तो मुझे कोई और नाम ज़रूर सजेस्ट करना, अदरवाइज़ फिर हम इसी नाम को लेके चलेंगे। और मैं आज सोच रहा था कि यार अव्वल तो जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको तो उस तरह मज़ा नहीं आएगा ये सारी स्टोरीज वगैरह देख के, तो क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो जब से पहली एपिसोड से शुरू नहीं करेंगे तो उनको जो करैक्टर्स हैं उनके नाम और ये जो सारी की सारी हमने इसको एक तरह हिंदी के अंदर और उर्दू के अंदर इसका वॉइस ओवर किया है तो वो चीज़ें उनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। खैर अभी हम जा रहे थे, ये जो है ना इसकी कॉल आई है इसकी कालीन भैया की वाइफ की, तो वो किधर कोई उनका टेली का कोई ना कोई इस तरह का लड़ाई झगड़ा रहता ही है, तो उनकी कॉल आ गई कि जी इस तरह मैं फलां जगह पे फंसी हूँ, मेरी मदद करो, जिस पे जो है ना हमने उन्हें इनकार कर दिया। उसकी रीज़न यही है कि अभी जो है ना सबसे ज़रूरी है हम अपनी जान, अगर हमारी अपनी जान ही नहीं रहेगी तो फिर हम किस तरह आगे से आगे बाकी लोगों का ख्याल करेंगे या इस गेम को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो आप लोगों ने देखा होगा पिछली एपिसोड के अंदर वो बहुत मतलब लेवल का गैंगस्टर है वो, तो ये ना वो के जो है ना अगर हम उनके पैसे ना दें तो जो है ना वो हमारी जान ही ना ले लेते।
इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए चोरी करना या जो भी कोई काम होगा जो ये हमें देगा, जिसके थ्रू जो है ना हमें वो पैसे मिल सकेंगे ताकि हम उस गैंगस्टर के दे सके। वो अभी फ़िलहाल के लिए तो उसको इसी तरह देने पड़ेंगे, बाद में जो है ना हम अपना बदला ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये कालीन भैया ये इस तरह किसी को थोड़ी छोड़ते हैं, और अगर ये इस तरह पैसे बांटने लग गए फिर तो इनका हो गया काम। तो अब वो जो हमारा दोस्त है लप्पू, उसने हमें यहाँ पे बुलाया, तो ये हमने इससे पूछा कि भाई ये किस तरह की जगह, तो कहता है ये गारमेंट फैक्ट्री है, ये जो है ना ये बड़ा लप्पू का थे, हम समझे थे बहुत शरीफ आदमी, इसने पिछली बारी तुम लोग देखो ना अगर एपिसोड वो देखी नहीं जिसमें इसने एक बंदे के मोबाइल के अंदर एक डिवाइस हमसे लगा के उस बंदे को ही मरवा दिया, हमने कॉल की तो उसका फोन ही जो है ना फट गया, तो हम इसे शरीफ समझ रहे थे। बहरहाल ये बड़ी फिल्म निकला। तो अब इसने हमने इसे पूछा कि भाई ये तुमने इधर हमें क्यों बुला लिया, तो ये कहता है कि मैंने जो है ना अपने जो है ना एक कवर रखा हुआ ताकि पुलिस वालों को और बाकी लोगों को ना पता लगे कि मैं असल में क्या काम करता हूँ और कहाँ से अपने पैसे बनाता हूँ। तो उसके लिए ये एक फैक्ट्री सी ले रखी है जिसके थ्रू जो मैं शो करता हूँ। तो अब ये हमें कहता है कि जी चलो आओ मैं तुम्हें जो है ना एक जगह का विजिट कराता हूँ जहाँ पर काम है। और अब ये बोल रहा है कि एक ज्वेलरी स्टोर है जिसको हम लोगों ने रॉब करना है। यार ये तो बड़ा एक्साइटिंग मिशन होने वाला है। तो अब फिर हमने इसे भी पूछा कि यार इसके अंदर तो जो क्रू है जो बाकी लोग हैं उनकी भी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक अकेला बंदा थोड़ी जाके कोई ज्वेलरी स्टोर रॉब कर लेगा। तो कहता है कि चलो ठीक है क्रू का भी करते हैं कुछ, मैं बंदे निकालता हूँ, अगर तुम्हारे कोई कॉन्टेक्ट्स हैं तो तुम बता दो, तुम इधर इस शहर के अंदर पुराने हो। तो अभी बहरहाल कहता है ये बाद में करते हैं इस काम को, फिलहाल अभी जो है ना ज्वेलरी स्टोर के ऊपर चलो और उधर जाके उसकी सारी की सारी मुझे कुछ वो करनी है इन्वेस्टिगेशन के भाई उसको हम किस तरह रॉब कर सकते हैं और वो सारा प्लान बनाना। गाइस वैसे ये हम लोगों की जो है ना फर्स्ट इसके अंदर रॉबरी होने वाली है और उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा एक्साइटिंग किस्म का मिशन होगा। तो इसके अंदर जो है तुम लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहो और इसके अलावा इसको सब्सक्राइब लाजमी करो और जो है ना जो पिछली एपिसोड जितनी भी हैं उनको देखो, बड़ी एक्साइटिंग है। उनको देख के जब तुम यहाँ तक पहुँचोगे तो फिर साथ में गेम खेलने का गेम देखने का बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो फिर पूरी की पूरी जो एक स्टोरी होती है ना वो चीज़ हम समझ में आना शुरू हो जाएगी। चलो फिर चले हम जल्दी से ज्वेलरी स्टोर। अभी जो है ना हमने इसे ये बोला है गाड़ी में जाते हुए कि यार एक नया लड़का है उसको भी हम जो है ना इस अपने मिशन के अंदर रखना चाहते हैं अगर तुम्हें समझ में लगती है। तो ये जो है ना ये लप्पू हमें बोलता है कि भाई साहब तुम्हारी अपनी मर्जी है जैसे तुम्हें समझ में लगे। तो हमने इसे जो है ना जो नाम सजेस्ट किया है ना बंदे का वो है काला खान, क्योंकि अब तक जो है ना हम तो ये चीज़ें छोड़ चुके थे चोरी चिकारी और ये बाकी गैंगस्टर वाली सारी चीज़ें, तो अब पीछे क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ गई वो घर छोड़ने की वजह से। तो जो काला खान है ना वो हमें इस तरह का डेयरिंग किस्म का बंदा मिला है। तुम लोगों ने पिछली एपिसोड में तो देखोगे तो उसने मुन्ना को जो है ना जो ये कालीन भैया का बेटा इसको भी उस बंदे ने बचाया इसके साथ जाके, और वो बड़ा ही डेयरिंग किस्म का मिशन था। उसके अंदर जो कालीन भैया वो काला खान है वो गाड़ी के बोनट के ऊपर गया और फिर वहाँ से जंप किया उसने उस ट्रेलर के ऊपर जहाँ जिसके अंदर वो मुन्ना को लेके जा रहे थे और कालीन भैया की बोट को लेके जा रहे थे। तो खैर उसने बड़ी जो है ना उस टाइम अपनी बहादुरी दिखाई और वो मुन्ना को बचाया। तो हमारी उसके साथ फिर इस तरह दोस्ती होगी अब काला खान के साथ, तो इस वजह से हमने उसका नाम से जज किया। अब खैर इसने हमें गाड़ी के अंदर एक ग्लासेस दी हैं और ग्लासेस जो अभी हमने लगा रखी हैं उसके अंदर ना इसने कैमरा प्लग किया हुआ है, तो ये बड़ा सयाना। अब ये जो तुम व्यूज देख रहे हो ना बीच बीच में ये वाला ये जो है ना ये उस ग्लासेस के उसके अंदर इसने कैमरा फिट किया हुआ है।
यार देखो लप्पू कितना शरीफ लगता है और जो है ना कितनी बड़ी फिल्म है। अब ये कहता है अंदर जाओ जाके स्टोर में जो है ना पिक्चर्स लो डिफरेंट ताकि जो है ना हम ये रॉबरी को प्लान कर सकें। तो ये जो है ना हम देख रहे हैं कि जी ये कैमरा लगा हुआ है, वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, इसके अलावा ये बीच के अंदर इनके शोकेस हैं जिधर ज्वेलरी है, और इसके अलावा ये एक दरवाज़ा है जिसके साथ अलार्म लगा हुआ है। इसके अंदर हमें लगता है कि माल अच्छा रखा हुआ है इन्होंने। तो आओ तो अब हम इस तरह शॉप के अंदर आते साथ ही चले जाएंगे तो शक कम पे पड़ेगा, इसलिए हम इसे जो ये सेल गर्ल है इसको हम अपने पास से कोई स्टोरी सुनाते हैं कि जी हमें जो है ना अपने बंदी के लिए कुछ दिखाओ तो ताकि इसको शक ना पड़े और एक आम कस्टमर की तरह जो है ना ये हमें ट्रीट करें। शॉप तो वैसे बहुत ज़बरदस्त है और लग भी किसी ब्रांड के रही है, और तुम लोगों को लगता है कि जो हम लोगों ने घर तोड़ा था उसके हम पैसे इस चोरी से पूरे कर सकेंगे, और ये चोरी बड़ी वैसे एक्साइटिंग होने वाली है। अब हमने इसे कहा कि जी तुमने जो है ना हमें अच्छी चीज़ें वगैरह में देखी हैं तुम्हारी, अच्छी लगी हैं, मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा वापस आऊँगा और आके जो है ना तुमसे ये परचेज करूँगा। अब अंदर का तो हमने काम कर दिए, अब ये जो लप्पू है ना ये कह रहा है कि तुम कोई इस तरह की जगह भी ढूंढो जहाँ से जो है ना हम इसके ऊपर चढ़ सकें। बिल्डिंग के ऊपर वाली साइड को भी हमने देखना कि उसके अंदर क्या सिचुएशन है। तो आप देखो ऊपर से ऊपर जाते हैं, इधर से गाड़ी घुमाते हैं ना आगे पीछे, देखते हैं अगर कोई जगह हमें मिलती है तो जिधर से हम ऊपर चढ़ सकें। ये सारी जगह तो कवर है, ये एक अंदर को बस एक वो बनी हुई है स्ट्रीट सी जो ज्वेलर्स की है, स्पेशल सारे ही ज्वेलर्स बैठे हुए इधर। ये ब्लॉक की दूसरी तरफ आगे उनकी शॉप की बैक साइड बनती है ऑलमोस्ट। इधर देखते हैं इधर कौन सी जगह है जिधर से हम ऊपर जा सकें। वो एक बिल्डिंग है, हाँ ये कोने वाली, इसके अंदर जो है ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, तो इसके अंदर अभी लगे होंगे वो जो मिस्त्री वगैरह वो इसको ठीक करने लगे होंगे। तो अभी हम यहाँ से अंदर जाते हैं और यहाँ से जाके उस शॉप की रूफ तक पहुँचते हैं, देखते हैं अगर हमें यहाँ से कोई जगह मिलती है तो। अभी तो अंदर कोई भी नहीं है यहाँ पे, काम करने वाले मुझे लगता है खाना खाने के। ये चलो अच्छा हुआ कि यहाँ से भी ऊपर सारी जगह खुली हुई है। अब यहाँ से ये जो ये एक लड़की भी है ना इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि ना सबसे हाईएस्ट पॉइंट को देखो, उधर जाके जो है ना इस बिल्डिंग की और इस सारे एरिए की मुझे पिक्चर दो। तो ये जो छत है ना ये वाली जो बिल्कुल सामने, ये काफ़ी ऊंची नज़र आ रही है, अगर इससे किसी तरह हम चढ़ सकते हैं तो, मगर ये नहीं, ये इकट्ठे नहीं ना चढ़ता, ये एक को चढ़ के दूसरी साइड से गिर जाता क्योंकि ये पाइप्स है। इसके ऊपर चढ़ते हैं, इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं वो, फिर उसके ऊपर ये जो ये आउटडोर पड़ा हुआ है इसके ऊपर चढ़ते हैं अगर यहाँ से, उसको जो है ना तो यहाँ की पिक्चर्स उसकी समझ में आती हैं और यहाँ से वो मान जाता है। कहता और भी ऊपर जाओ यहाँ से पिक्चर्स नहीं लेनी। तो आप यहाँ से देखते हैं कि क्या कहता है, मुझे लगता है कि इसके बजाय ना वो हमें आगे एक जगह नज़र आई है वो उससे भी ऊंची है। उधर चलते हैं, उधर चल के देखते हैं उधर से पिक्चर्स का व्यू सही आता है या नहीं आता, मगर मुझे तो ना यार इस लप्पू के ऊपर हैरानगी हो रही है
कि ये कितना शातिर आदमी निकला है। मैं तो इसको ऐसे ही समझ रहा था कि यार ऐसे जो है ना शरीफ सा आदमी है ये, इसकी जॉब चली गई है जिस तरह तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में इसकी कहानी सुनी है, तो बेचारा परेशान है या कुछ और। मगर मैं तो इसको देख के हैरान हो गया हूँ कि यार ये तो बड़ा सख्त किस्म का छातिर आदमी है। अब इसके ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं इसका व्यू, इसको समझ में आती है नहीं आती। लगता है हमें यहाँ से भी आगे जाना पड़ेगा। वो जो जगह, वो दरअसल बिल्डिंग का कॉर्नर भी बन रहा है ना सारी बिल्डिंग्स का, और मुझे लगता है शॉप नहीं, शॉप ये तो ये नहीं है, वो तो दूसरी तीसरी थी जहाँ पे मेरा कांच लगा हुआ है ना ऊपर, वो जो ग्लास का रूफ सा बना हुआ गोल सा पीछे, वो वाली उसकी है शॉप। यहाँ से आप जो है ना फोटो लेते हैं। ये जो है ना कहता है इसका एयर कंडीशन की जो आउटडोर है ना उनकी पिक्चर लो करते, ये मेरा ख्याल है इसकी बात कर रहा है, हाँ इसी की बात कर रहा है। ये व्यू देखो यार कितना प्यारा, सिटी का व्यू आ रहा है और टाइम भी इतना प्यारा है, शाम का टाइम है सनसेट का। चलो इसके पास चलें हम। इसने इसके पिक्चर तो ले लिया मगर ये हमें इसके अंदर कैसे लेके जाएगा, ये तो सारे का सारा ब्लॉक हुआ हुआ है। बड़ी ये फिल्म, वैसे कोई ना कोई ये रास्ता निकाल ही लेगा, मगर जो है ना मुझे लगता है ये जो रॉबरी है ना ये बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। बाकी कुछ हो ना हो, बाकी चीज़ों का पता नहीं, मगर इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक कोई भी नहीं आया। ये क्या हुआ है? तो आराम से इसे उतारने की कोशिश कर रहा था, इसने तो जान भी मार दी है। अब इंसानों की तरह वैसे जिस तरह ये अभी उतरा ना, यहाँ से मुझे एक वो पुरानी गेम याद आ गई है, तुम सब लोगों ने भी लाजमी खेली होगी या देखी होगी, IGI के नाम से गेम थी, बहुत बचपन में हम खेला करते थे उसे। एक तरह कह लो कि फर्स्ट गेमिंग एक्सपीरियंस वो था। उसके अंदर वो बंदा इस तरह टाल तो करता था, और हिटमैन गेम के अंदर वो जो हिटमैन था ना वो भी इसी तरह हिटमैन गेम भी बड़ी अच्छी गेम थी। अभी मैं जो है ना एक बार इसको कंप्लीट कर लूं और कोशिश करूंगा इसके साथ साथ ही इसके अंदर जो है ना डिफरेंट बाकी की गेम्स भी लेकर आऊं, उनकी स्टोरीज को भी कवर करें। अगर तुम लोग किसी गेम को देखना चाहते हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी सजेस्ट करो, उसको भी हम जो है ना खरीदेंगे और फिर उसके ऊपर भी स्टोरी बनाएंगे। Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them, at least. अच्छा अभी ये भाई साहब कहते हैं कि जी हम चलते हैं जाके फैक्ट्री के अंदर, मैं तुम्हें सारी की सारी गेम समझाता हूँ कि हमने इसको सारी हाइस को किस तरह करेंगे। तो उसके अंदर जो है ना अब देखो ये अब हमें जाके क्या क्या समझाता है। और इसके अलावा जो है ना इस बंदे की तो यार मैं काम देख के परेशान हो रहा हूँ कि ये कितना शातिर आदमी। ये देखो वो उसके एम्प्लॉय ने दी है कोई रिपोर्ट वगैरह, तो मेरा ख्याल है इसने उसने वो दिए हैं प्रिंट आउट दिए हैं, वो पहले से प्रिंट आउट लेके बैठी हुई थी।
इसने प्रिंट आउट उससे निकलवाया, ये ना हो के कल को वही पुलिस को बता दे। ये कहता है कि ना ये तो बड़ा यार ओल्ड स्कूल की तरह जो है ना, जिस तरह हम पहले जमाने में कभी चोरियां करते थे उस तरह तुमने बोर्ड बनाया और ऐसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो। ये कहता है हाँ ये जरूरी है ना, ताकि कोई हार्ड ड्राइव में हम कोई काम ना चीज ना रखें और बाद में पकड़े जाने के ऊपर वो हमारे अगेंस्ट एविडेंस के तौर पर। कहता है कि इस चोरी को जो है ना अंजाम देने के लिए दो तरीके कार हैं। एक जो है ना कि हम इसको आराम से मतलब जो है ना रात के अंधेरे में जाके परफॉर्म करें, या फिर दिन के अंदर जाएं और जाके किस तरह आम स्टोर के अंदर डकैती होती है इस तरह वो डकैती करें। मगर कहता है कि उसमें शोर शराबा बहुत होगा। हमें सारा कुछ समझा रहा है और कहता है कि तुम बताओ कि तुम क्या कहते हो कि किस तरह हमें जाना चाहिए। यह बता रहा है कि हमें जो है ना एक हैकर भी चाहिए होगा, एक शूटर चाहिए होगा और एक ड्राइवर चाहिए होगा, ये वाले लोग भी चाहिए होंगे। तो आप ये बता रहे हैं ये दो तरीके, अब तुम बताओ कि किस तरह जो है ना हमें लाउड अप्रोच करनी चाहिए या फिर हमें जो है ना आराम से जाना चाहिए। तो तुम लोग क्या सजेस्ट करते हो यार, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताओ मुझे। मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना स्मार्ट वे में ही जाना चाहिए, ज़्यादा हम शोर शराबा नहीं करना चाहते। ऑलरेडी वो गैंगस्टर हमारे ऊपर है ना, पुलिस वाले भी हमारे पीछे लगते हैं। Now the driver, ये जो है ना वो क्रू जो है ना अब हम रिक्रूट कर रहे हैं, ये ड्राइवर्स की वो है, ये पुराने जो है अब पकड़े गए मुजरिम है ना ये वो है। इस ड्राइवर की मुझे एक्सपर्टीज ज़रा ज़्यादा लग रही है, तो ये ठीक है इसको रखते हैं। अब ये गन मैन को देखते हैं कि गन मैन हमें कौन सा चूज करना है। इसके इसके स्किल्स वैसे अच्छे हैं, ये ठीक है। ये हैकर है, हैकर की वैसे एक्सेस स्पीड हमें वैसे ज्यादा चाहिए, इसकी काम में इसकी ज्यादा, ये ठीक इसको रखते। ये तीन बंदे हम लोगों ने हायर किए हैं, तो जो है ना बस आप हम इस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो इसके वीडियोस के साथ जुड़े रहो। मेरे ख्याल में कि जो है ना आज तो ये भी कह रहा है कि अब मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं सारी चीज़ें पूरी कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ये जो हाइस्ट होगी वो आएगी। ठीक है, इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा भाई जल्दी